शहर की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं सहित आम लोगों में उस समय हलचल मच गई जब गुरुद्वारा रोड पर दो युवाओं को दुकानों की फोटो खींचते हुए शक के आधार पर पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना दे दी गई। जानकारी के अनुसार डीएसपी गुरमेल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो युवक कई दिनों से दुकानों की फोटो खींचकर भेज रहे थे जो कि मुस्लिम समुदाय से हो सकते हैं। दोनों युवक संदिग्ध लग रहे हैं, इसलिए अनहोनी का अंदेशा लगा हुआ है। लोगों द्वारा दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये है, ये दो संदिग्ध मोमटन, ये दो 20-20 साल के बच्चे हैं जो कि सारी दुकानों की फोटो खींचते फिर रहे हैं। जैसा कि मैंने इनसे क्वेश्चन किया भी, ये आप किस लिए फोटो खींच रहे हैं? हम सिर्फ 2 रुपए के लिए इसको अपनी पर्सनल ऐप के ऊपर चढ़ा रहे हैं। मैं कहा ऐप किसकी है, ये भी किसी मोमटन की ऐप है। और इन्होंने जब पूछ के मार थप्पड़ के बाद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं है। 1-2 रुपए के लिए ये काम नहीं हो सकता। सभी भाइयों, मेरा सबसे यही अनुरोध है भी आप सब जागृत हो जाएं। आज जागृत होने का समय आ चुका है। ये दो नहीं है, इनके साथ मेरे हिसाब से 5 से 7 बंदे हो रहे हैं। जैसा कि इन्होंने हमारे को सूचना दी भी, हम मेरठ से आए हैं, तो हमने इनसे पूछा भी मेरठ से आए हो तो आपको पेवा ही मिला है। रात को हम सुमाना थे, सीधा सुबह आते ही पेवा गुरुद्वारा रोड खुशवंत। इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मिलानी है और ये उसी कार्य में लगे हुए हैं। आज पूरे पेवा नगर के अंदर आके ये लोग फोटोएं खींच रहे हैं। फोटोएं खींचने का क्या औचित्य है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनका एक ही लक्ष्य है कि हम तो फोटो खींच के किसी ऐप पे भेज रहे हैं। ऐप किस पे भेज रहे हैं वो आदमी का पता नहीं। जितनी मर्जी मार पिटाई कर को, इनके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, इन लोगों की जब तक सरकार इंक्वायरी नहीं कराएगी, हमारे पूरे पेवा के अंदर इनकी संख्या जहां आज से 5 साल पहले 500 थी, आज 5000 से ऊपर है। कहां से आ गए, किस तरह से आ गए? इनकी कोई सरकार के पास इंक्वायरी नहीं है। जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, ये लोग कभी ना कभी ऐसा माहौल पेवा में होगा कि यहां दंगा फसाद होगा। और जब तक ये दंगा फसाद नहीं होगा, तब तक हमारे ना तो प्रशासन चेतेगा, ना इसके विषय में कोई चर्चा करेगा, ना ध्यान करता है कोई। ये सुबह हमारे पास फोन आया था कि मार्केट में कोई 2 लोग हैं जो बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं, और लगता है कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं और वो शॉप की फ़ोटो खींच रहे हैं। कई दिन से ऐसा काम चल रहा है और जिसको उन्होंने शक के बिना पे फिर हमारे को बताया, हमारे को डाउट है इन पर भी, कोई ना कोई ऐसा कोई कारण ना हो जिससे कोई अननेसेसरी कोई न्यूसेंस फैले, तो उस पर हमने ऐसे ही भेज दिया था। और जो लोग भी आए थे वो कंप्लेंट दे रहे हैं, उनको हमने बुला लिया यहाँ। अब उनसे पूछताछ करेंगे भी उन्होंने फ़ोटो क्यों खींची थी और कहाँ किस मतलब के लिए खींची थी, वो क्लियर कर दें। है ये तो समाना से कह रहे हैं, समाना से आए हैं लेकिन मेरठ के रहने वाले हैं। पुराना पता इनका मेरठ का है, लेकिन अभी इन्होंने जो बाइक इनका लिया हमने, या इन्होंने कहा भी हम समाना से आए हैं, वो सारी बातें अभी पूछताछ पे क्लियर करेंगे। सर, दोषी पाए जाते तो क्या कार्रवाई की जाए? जो भी कार्रवाई है वो करेंगे, उसी उचित कार्रवाई करेंगे दोषी पाए जाते।